सो सबसे पहले तो बर्थडे पर आए हैं, रोहित के बर्थडे के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे बर्थडे बॉय के लिए? जो सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रोहित, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सबको वाइट बना के खुद मतलब अतरंगी बना हुआ घूम रहा है ताकि हर फोटो में अलग से दिख जाए, लेकिन मैं भी सा रहा हूँ, मैं भी कलर पहन के आ गया, जितना वाइट था घर में सब ले आया हूँ वैसे, बट है ना वही इसीलिए मोर बन के घूम रहा है कि हर फोटो में अलग से दिख जाए, जो वैसे भी दिख रहा है, वही वेरी नाइस इज लुकिंग। शुक्र हुआ है लोगों को देखा है, लोगों से हाथ मिला है, लोगों को गले लगाऊँ, मतलब इतना मिस किया ना इस चीज़ को, तो थैंक यू। मैंने रियलाइज़ कर ली ये चीज़ कि जगहों से मज़ा नहीं आता, लोगों से मज़ा आता है, और यही चीज़ होती है कि जहाँ मर्जी घूम लो वर्ल्ड ओवर, अंधेरी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी ना करो तो कोई फन नहीं है। निधि शूटिंग फॉर एन एड फिल्म, तो वो ट्राई कर रही थी कि निकल के आ जाएगी, लेकिन हर यू नो हाउ शूट्स आर, सो बट उसने बड़ा सुंदर सा बुके बना के भेजा है रोहित के लिए अपॉलॉजी लेटर के साथ, नोट के साथ कि मैं नहीं आ पाई, बट शी इज़ हियर इन स्पिरिट विद ऑल ऑफ अस। लाइफ कितनी चेंज हो गई? लाइफ चेंज नहीं हुई है मेरी, तो शादी 2.0 है, तो मैं वैसा ही आई एम डोमेस्टिकेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जैसा था। लेकिन एंजॉय कर रहे हैं शादी शुदा लाइफ? ऑफ कोर्स, इसके अलावा मैं कुछ बोल सकता हूँ, ये ऑनर है। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, शादी करके बहुत सही है। नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, यू नो वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, अभी 7 महीने हुए हैं, धीरे धीरे लाइफ और बदलेगी, हम और सीखेंगे, हम और अच्छे होंगे, एंड अगेन प्लसेस भी हैं माइनसेस भी हैं ऑफ बीइंग इन द सेम लाइन, वी डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हेल्प ईच अदर ग्रो, बट ऑल्सो यू नो एक दूसरे को समझना ही उतना इंपॉर्टेंट है, विच अगेन टीथिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं नई शादी में अबाउट बीइंग इन द सेम लाइन, तो वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी यार, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बट मेन जो शादी के 3 स्तंभ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, तन मन और धन, वो हम तीनों मर्ज कर चुके हैं एक दूसरे से। वेल, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है बिग बॉस? आप ना भी चाहो तो भी आप फॉलो कर ही लेते हो, आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, यू नो हर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरा एपिसोड आप देख ही लेते हो, तो जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बता दिया कि मेरे 3-4 फेवरेट जो हैं वो तो दोस्त भी हैं, और वही मज़ा भी दिला रहे हैं सबसे ज़्यादा अंदर, और अभी राकेश गया है जो गुल खिलाने वाला है अंदर, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि OTT पे भी मज़े करा चुका है सब, सो आई एम होपिंग कि अभी और धमाल होगा अंदर। तेजस्वी और करण कुंद्रा को साथ देने के लिए, यू नो अब राकेश और शमिता हो गए। करेक्ट करेक्ट। फेवरेट कौन है आपका? यार ये तो चीटिंग हो जाएगी, मतलब मेरे वो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, उनको थोड़ा उनके साथ ना कुछ डांस वांस कराओ, कुछ कॉम्पिटिशन करो, कुछ पॉइंट्स वॉइंट्स दें तो मज़ा आएगा कि तब बनेगा फेवरेट, अभी तो दोनों ही प्यार में नए नए डले हुए हैं, और राकेश अभी घुसा है, वो जो रिएक्शन था ना, आ गया मेरा हीरो, वो बड़ा मज़ेदार था, सो आई एम होपिंग कि और मज़ा आएगा। आई हैव जस्ट साइंड समथिंग, उसका लुक टेस्ट वगैरह चल रहा था, सो होपफुली नेक्स्ट वीक से दे शुड बी ऑन एयर, तो बात करेंगे ना। वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स ऑफ माई लाइफ आई थिंक, एंड वन ऑफ द समथिंग दैट आई डोंट रिलेट टू, ठीक है, ही इज़ अ क्रेजी एस वाइफ बीटर साइकोटिक। अब मैं कैरेक्टर्स को जज नहीं करता, अगर मैं जज करने लग जाऊँ तो मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही है, वो मेरे को बिलीव करना है, तो उसके अंदर घुसना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और अभी मुझे लग गई है भूख, वो भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है रोकना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। लंच के बाद वो रुची, ये देखो ही हैज टू कम ना, अभी बोला, अभी मैं खुद ही बोल रही हूं, अभी देखो आपके सामने बोल देती हूं, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। थैंक यू सो मच, और ये बहुत
खूबसूरत पीपा बने पहले मुझे तो पता था, मुझे तो पहले से पता था इसने। So, सबसे पहले तो wishing you a many many happy Thank you very much. Thank you very much. And you're looking very very nice. Thank you. और ये कुछ धोखाधड़ी नहीं कर दी आपने सबको white नहीं नहीं वो idea you know आजकल ना मैं Netflix देख रहा हूँ मैं Beverly Hills Rich Housewives आई पे ना तो always I took an inspiration from there तो अगर आप एक theme रखते हो तो अगर आप एक white theme रखी है ब्रेड में तो the host has to be little different right. So it's like a icing in a cake well Definitely you are icing on the cake. और white theme रखने के पीछे क्या? क्योंकि मेरा afternoon का lunch था, it's an afternoon and उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो afternoon है तो it has to be white, has to be pure. So white also indicates peace. So कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि you know आज थोड़ा बहुत ही close friends हैं रोहित के, yes, so yes. Is it because of that? Too? Yes, 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 exactly. Okay, so. बताएं और क्या-क्या प्लान है किस तरह से बस अभी लंच लगेगा एंड देन आई एम गोइंग टू कट द केक एंड लुक के बारे में बताइए किस तरीके से अपने कॉस्ट्यूम जस्ट अ ड्रेप ड्रेप स्कर्ट आई एम वेयरिंग एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ अ टॉप एंड यस एंड आई एम हैविंग फन बिकॉज़ खत्म हुआ है फेस्टिव खत्म हुआ है न्यू ईयर आने वाला है तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ डिफरेंट एलिमेंट वेल अभी तो पार्टी शुरू हुई है इसके अलावा और क्या-क्या प्लान्स हैं पर डांस होएगा मस्ती होगा वी ऑल विल गेट हाई एंड जस्ट परफॉर्म अगेन थैंक यू दिस और कुछ नहीं करना no, पूरा दिन no, 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 just I'll relax थैंक यू सो मच थैंक यू देखो मैं केक भी खाऊंगी मेरी सीक्रेट पूछते रहते हो आप लोग उनकी स्टोरी लाओ उनका वो क्या प्लान है वो बताओ मैं नहीं करती हां वही बात है इसलिए तो बताना पड़ता है बहुत बोलते हैं डॉली मुझे बहुत बोलती है कि क्यों नहीं बट आई जस्ट सबसे पहले तो लुकिंग गॉर्जियस थैंक यू बहुत ही अच्छी लग रही हैं यू नो कोई भी लुक हो बहुत ही अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं ये वाला टैलेंट किस तरह से इसको टैलेंट बोलते थे मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था बट टैलेंट नहीं है आई एम मुझे मैं वो पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ राइट कई टाइम पे मैं बहुत बुरी भी लगी हूँ आई नो इट नहीं पर अपने आप को बहुत अच्छे से कुछ भी पहन ले बहुत अच्छे से कैरी भी करती है आज के अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे खुद डिजाइन किया है या किसी ने डिजाइन हाँ इन्होंने वाइट का थीम दिया था चॉइसेस क्या हो सकती है वाइट पहनने में या तो आप वाइट सूट पहन लो या तो आप वाइट ड्रेस पहन लो बट मुझे पूरा वाइट नहीं पहनना मैंने थोड़ा ब्रेक मैंने बहुत टाइम से मैंने ये पहना वेल रोहित का बर्थडे है तो ऑब्वियसली आप तो विशेस लेकर आई होंगी लेकिन रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना आई थिंक वो रोहित को आप पूछना चाहिए कि रोहित के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं मेरे या उसके मेरे साथ बट ही इज मेरे हिसाब से वो इतने वो प्योर सोल है अगर कोई उसे समझ गया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है नहीं तो मेरे साथ तो या मुझे मम्मी बोलता है मुझे दीदी बोलता है मुझे सब मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है तो इट्स लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू मी दैट्स ऑल आई कैन से वेल फैंस आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आप उतना ज़्यादा फैंस को उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करती हैं ऐसा क्यों ऐसी बात नहीं है अभी देखिए आप मुझे कॉर्नर कर रही हैं ऐसा बोल के बट ऐसा नहीं है देखिए दिस इज नॉट गुड नहीं नहीं ये हर किसी के यू नो भले ही डेढ़ साल आपको ऐसे लगता है कि ओके अभी सब ठीक हो रहा है एवरीथिंग बट हम सब कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजर के आए हैं यू नो इट्स नॉट बीन ईजी बट इसका मतलब ये नहीं कि आई कीप क्राइंग अबाउट इट एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड उसके बारे में नेगेटिवली सोचो तो मैं उनमें से हूँ कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ जब इंट्रोस्पेक्ट करने जाती हूँ मैं क्वाइट हो जाती हूँ आई गो कम्प्लीटली माइनस मतलब कहीं नहीं दिखूंगी मैं आपको कभी भी नहीं दिखूंगी वो टाइम होता है जब मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ कि क्या होने वाला है आगे क्या क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉर्मल ना मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह हूँ आपकी तरह मेरी यू नो इनकी तरह सबकी तरह तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि आगे क्या मेरे पीछे भी मेरी फैमिली है जो मुझ पर डिपेंडेंट है तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट हाँ हाँ ओ या नो नो या मैं ये बोलती हूँ यस के थिंक पॉजिटिव बट आई एक्चुअली बिलीव इन इट
डेढ़ साल मेरे लिए भी मतलब लाइक इट्स नॉट बीन ईजी फॉर अस. वी हैव गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ इशूज इन आर फैमिली ऑल्सो, स्पेशली हेल्थ इशूज. दे हैव बीन वेरी चैलेंजिंग. माई मदर वॉज सिवियरली सिक फॉर व्हाट 2-2.5 मंथ्स. मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था, उसके बाद में मेरे बच्चों को डेंगू हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मतलब एक के बाद एक. इट वॉजेंट ईजी. सो क्या करें, ऐसे में रोते रहे, यू फाइट इट राइट. सो दैट्स व्हाट आई डू. सो कब अपने मैं फैंस को ज़रूर मिलूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे अपने लाइव आऊँगी और सबके सवालों का जवाब दूँगी. सरप्राइज कब दे रही हैं अपने फैंस को? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके साइड से? मेरे लिए भी सरप्राइज होगा ना वो तो. कोई मुझे तो ऑफर करे पहले. ये तो नहीं हो सकता है. बिल्कुल हो रहा है, वाई नॉट यार. बिकॉज अभी मैं इनसे भी यही बात कर रही थी दैट आई थिंक वी नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग. वी नीड टू स्टॉप कैटेगराइजिंग. वी नीड टू ओपन आर माइंड्स ऑल्सो. वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग आगे, मतलब वी नीड टू ब्रॉडन आर मेंटेलिटी. अगर आप 20 साल पहले अटके रहेंगे तो आप वहीं पे अटके रहिए. ज़माना आगे निकल गया, मैं भी आगे निकल गई हूँ. Since you said we need to stop categorizing, you know, ये आज नहीं बहुत पहले से होते आ रहा है, wherein you know television actors, film actor, ये categorization हो रहा है. Do you think किसी ने आज तक कभी बोला नहीं है इस वजह से चीज़ें आज आप बोल रहे हैं? मुझे देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है. आपको तो सबको पता है आई थिंक मैं बहुत ही बेबाक किस्म की इंसान हूँ. आई से वॉट इज़ इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट एंड Yeah, but I've always said it. मैंने हमेशा ही बोला है कि stop categorizing, especially women. Why are we categorized? I mean, तो आप दो बच्चों की माँ नहीं लगती, तो मैं placard लेके घूमूं? Do you think this is कहीं ना कहीं effect करता है किसी के career में, एक actor के? Of course करता है. Of course करता है. अगर आप अपनी सोच एक तरफ हम पूरी दुनिया को बोलते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, अपनी भी सोच बदलो तो इंडस्ट्री बदलेगी. ओके, बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? थोड़ा बहुत. फेवरेट है कोई? नहीं. कितना मजा आ रहा है? मेरे टाइम पे मेरा कोई फेवरेट नहीं था तो. एज अ व्यूअर देखने कितना मजा आ रहा है? उतना नहीं देख रही हूँ, सो आई वोंट से कि नो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट आई एम ऑन एंड ऑफ. जब मैं फॉलो करती हूँ तब करती हूँ. डू यू थिंक इस बार सब बहुत ही प्लानिंग करके अंदर गए? वेटिंग फॉर यू, एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग. कैन यू टेक दिस लिटिल 2 मिनट्स लेटर? दो मिनट में वापस आती हूँ. थैंक यू सो मच. What am I?